सब्सक्राइब कर दे। हाँ हेलो, आपका नाम क्या है? ये हमारा मनांका परमिट और हेलो ब्लॉगर हो क्या? जैसे अपना लद्दाख है, जांस्कर, ऐसे यहाँ पे मनांग और मुस्तांग है। वहीं से अपना रोड बहुत ज्यादा खराब आ गई है, ये चाइना से लास्ट 15 मिनट से ना ये धूल खाता हुआ मैं जा रहा हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई आज ना मैं निकल रहा हूँ पोखरा से वनांग साइड के लिए। तो अभी मैं आया था यार एक दुकान पे, हमारे हॉस्टल के बगल में एक दुकान है, वहाँ से हम लोग राशन वासन खरीदते हैं। तो भैया जी दुकान है। हेलो भाई, कैसे हो? तो हम थोड़े अंडे लेने आए हैं और दूध लेने आए हैं, ताकि अपना ऑमलेट वगैरह बना ले और चाय वगैरह बना ले, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। और नोमान भाई को यहीं पर अलविदा करके काठमांडू में मिलेंगे। नोमान भाई काठमांडू मिलोगे कि पाकिस्तान में मिलोगे? चलो ठीक है, अपना राशन वासन लेते हैं, उसके बाद निकलते यार। भाई हमने ब्रेकफास्ट के लिए सामान ले लिया है, और भाई ये सारा ब्रेकफास्ट मतलब आज के लिए ही नहीं है, मतलब मेरा कल भी काम आएगा आज के लिए। तो ये दो मैंने चार अंडे ले लिए, ब्रेड ले लिए, दूध ले लिया, और बाकी कुछ नूडल्स रख लिए, और ये मैंने पोहा रख लिया भाई यहाँ पे। इसको ना मतलब वैसे तो बीटन राइस हमारे यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पोहा किसी को पता नहीं है। वो तो मैंने यहाँ पे पड़ा हुआ देखा, इनसे मैंने मांगा कि भैया पोहा दे दो, इनको पता ही नहीं था पोहा के बारे में। फिर मैंने ये खुद पड़ा हुआ देखा, तब मैंने बोला कि ये है भाई, ये दे दो मेरे को। तो भाई जी हम लोग ना अपना ब्रेकफास्ट का सामान वगैरह लेके ना अपने किचन में आ गए, और हमने भाई ऑमलेट वगैरह बना लिया था, खा भी लिया, और अब हम बस अब चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारी फ्रेंड है, ये चाइना से है, और ये भी कुकिंग कर रही है अपने लिए। व्हाट यू आर मेकिंग? हेलो हेलो, व्हाट इज दिस दिस नेम? आई डोंट नो। यू डोंट नो, यू आर जस्ट कुकिंग? ओह वाओ, इट्स लुक लाइक चिकन। ओह वाओ। तो भाई ये मैडम चाइना से हैं, और ये ना ये एक फोटोग्राफर है, तो ये भी सोलो ट्रैवलर है भाई। जैसे अपन लोग सोलो घूम रहे हैं, वैसे ये सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम अ यूट्यूबर, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो। कह रही कि तुम अपनी फैमिली से बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हम यूट्यूबर हैं। ओके तो भाई चलो, नुमान भाई इतनी चाय बची हुई है, तो बची हुई तो कोई बात नहीं, तो बाद में गर्म करके पी लेते। हाँ दे दो। पियो और जियो। पियो चाय पियो। पियो मी, थैंक यू, वेलकम। हमारा नेपाली दोस्त और मैं नमन भाई, और बिगड़े हुए नारायण, बिगड़े हुए नारायण। तो सुबह से दोनों भाई हमारे लड़ाई कर रहे थे, अब इनका मैंने पैचअप करवा दिया। चलो फिर मिलते हैं भैया काठमांडू में। और ये क्या, ये किधर उधर 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 उधर, ये क्या? कैटरपिलर। अच्छा नारायण जी नमस्कार, फिर मिलते हैं, जय श्री राम, आदाब। हाँ ओके बाबा। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से मनांग की तरफ के लिए। मैं काम करूँ, परमिट बनाने चलूँगा। भाई अपने होम से तो हम निकल गए हैं, बाकी एक बार ना आपको लोकेशन समझा दूँ, और आज का रूट मैप बता देता हूँ कि आज का हमारा रूट मैप क्या रहने वाला है। ये है भाई हमारा नेपाल का मैप, ये है सोनौली बॉर्डर। तो सोनौली बॉर्डर होते हुए, बुटबल होते हुए, हम लोग ये सायगंजा होते हुए पोखरा पहुँचे थे, और दो लास्ट दो दिन से मैं पोखरा में ही था। तो आज ना मैं पोखरा से जा रहा हूँ भाई मनांग की तरफ को, ठीक है? अब मनांग जाने के लिए मेरे को ये वाला रूट लेना पड़ेगा, फेडी फेदी होते हुए, खुदी होते हुए, जागात होते हुए, धारा पानी होते हुए, हम लोग इधर ऐसे मनांग पहुँचेंगे, ठीक है? और लास्ट टाइम जो हमने किया था वो मुस्तांग किया था, मुस्तांग वैली। मुस्तांग वैली के लिए हम ये घोरे पानी घासा धौलागिरी होते हुए हम लोग मुस्तांग पहुँचे थे, ठीक है? आज का जो रास्ता है हमारा वो लगभग 185 किलोमीटर का है, तो 185 किलोमीटर कवर करने में तो मैं वैसे एक दिन में कर सकता हूँ। एक दिन में कवर करने का मतलब मैं कि सारी चीज़ें से भागा भागा जाऊँगा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको ढंग से। तो मैं सोच रहा हूँ जी बीच बीच में जो शहर आएंगे, गाँव आएंगे, अच्छे अच्छे लोकेशन आएंगे, वो मैं आपको दिखाता दिखाता दो दिन में या तीन दिन में मैं मुस्तांग मनांग पहुँचूँगा। फिर कैसे हो? बढ़िया यार। इसमें ना पता नहीं कोई आवाज़ आ रही है, जैसे गाड़ी चलते चक 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 ऐसी आवाज आ रही है। चला देखो, चला के ये अपना पोखरा में एक दोस्त बन गया था लास्ट टाइम जब हम आए थे, तो थोड़ी सी मेरे को इंजन की ना ये चैन है टाइट करवानी थी, थोड़ी चैन टाइट करवा ली, आवाज़ कर रही थी। आई होप कि अब आवाज़ ना आए।
अब निकलते हैं यहाँ से, हमको जाना है इस तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अपनी बाइक के लिए परमिट लेने के लिए। अपन लोग जा रहे हैं मनांग, वहाँ पे लगता है भाई परमिट जाने का, चाहे आप पैदल जाओ चाहे बाइक में जाओ चाहे किसी भी चीज़ पे जाओ परमिट लगता है। तो भाई जी हम लोग इनके ना इमिग्रेशन ऑफिस में आ गए हैं और इनके इमिग्रेशन ऑफिस से ही बनता है मनांग का परमिट। तो चलिए हमने परमिट बनवा लिया है, ये हमारा मनांग का परमिट। और भाई इसके लिए 1000 रुपये फीस लगती है, आप जाओगे फॉर्म भरना है, प्रिंट निकाल के आपको दे देते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मेरे को परमिट मिल गया। तो भाई गाड़ी में रिफ्यूल कर लिया है हमने, जो गाड़ी में मेरा तेल आया ना भाई आया 1650 रुपये, मतलब इंडियन का 1025 रुपये। नेपाल में जो तेल का प्राइस है ना भाई वो 175 रुपये है, हमारे इंडिया के हिसाब से हो गया वो 109 रुपये। इंडिया में 95 रुपये अभी पेट्रोल का भाव है, तो नेपाल में इंडिया से 14 रुपये महंगा है भाई तेल। जैसे अपना लद्दाख है, जांस्कर है, स्पीति है, वैसे यहाँ पे मनांग और मुस्तांग है। और भी वैलीज हैं लेकिन मनांग और मुस्तांग दो वैली हैं जो मैंने कवर कर रहा हूँ। मुस्तांग मैंने पिछली बार कवर कर लिया था जब मैं 1 महीने पहले आया था, और इस बार मैं मनांग जा रहा हूँ। जैसे इंडिया में बाइकर्स का ड्रीम होता है ना उनको लद्दाख जाना है, नेपाल की राइडर्स का ड्रीम होता है उनको मनांग और मुस्तांग करना है। तो मुस्तांग के रास्ते तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब थे लद्दाख के मामले में, तो ये लगा लो कि आज से 20 साल पहले 22 साल पहले जैसा लद्दाख होगा ना वैसे मुस्तांग था। और ऐसा बोलते हैं कि मनांग की हालत तो मुस्तांग से भी खस्ता है। तो भाई हमारी माउंटेंस में एंट्री हो चुके हैं, अभी तक ना हम वैली में थे, मतलब पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है ना समतल एरिया उसमें थे, पोखरा पूरा एक वैली में बसा हुआ है। अब मनांग हम जा रहे हैं भाई चाइना बॉर्डर साइड में ऊपर की तरफ को। और इस वाली ट्रिप में ना मैं आपको चाइना भी लेके जा सकता हूँ शायद। लास्ट 15 मिनट से ना ऐसे ही धूल खाता हुआ मैं जा रहा हूँ, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी दूर आके ना ये बसेस आ जा रही हैं जो आगे का सारा रास्ता मेरा ब्लॉक कर दे रही है, तो इनको ऐसे ना ओवरटेक करना पड़ रहा है। भाई साहब अपना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब आ गई है, पूरी रोड पर मिट्टी धूल ही धूल है। और जो रोड पे ना यार एक तरफ में पानी डाला हुआ है और वो पानी की वजह से ना रोड इतनी ज़्यादा चिकनी हो गई ना, टायर स्लिप कर रहे हैं। वो तो भाई अगर मेरे पुराने वाले टायर होते ना 100% मैं गिर गया होता अभी तक। तो कई बार पीछे वाला टायर मेरा ऑफ रोड टायर है, उसकी वजह से बाइक मेरी भी स्लिप नहीं हुई एक भी बार। बस वही है कि एक बार थोड़ा दलदल से आ गया था, उसमें कीचड़ में थोड़ी सी फंस गई थी। हेलो, आप लोगों का कोई फेस्टिवल है क्या आज? क्या फेस्टिवल है? किस चीज का? ओपन हो रहा है वो। ये आप लोगों का ड्रेस है यहाँ का? मेवाड़ी ड्रेस, बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। ओके बाय। हाँ ये चैनल का नाम है मेरा, हम सब्सक्राइब कर दें। हाँ आपका नाम क्या है? रोजीना। मेरा नाम विक्की। नमस्कार दादी जी, कैसे हो? बढ़िया। उद्घाटन करवा रहे हो आज? हाँ? अब बढ़िया हो जाएगा सब। चलो ठीक है, बच्चियों को भी छाता दो, बच्चियां काली पड़ जाएंगी। नहीं चाहिए? ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू। तो भाई जी हम ना पोखरा से लगभग 33 किलोमीटर आ चुके हैं और इस टाइम ना हम एक दमोली करके जगह, एक बड़ा बाजार है इनका पोखरा के बाद, ये ना मुझे सबसे बड़ा बाजार लग रहा है। यहाँ पे मैं रुका हूँ, थोड़ा पानी पीने के लिए मैं रुका था। और अब यहाँ से मनांग जहाँ हमने जाना है वो लगभग 150 किलोमीटर है, तकरीबन 6-7 घंटे का रास्ता भी रह गया है। तो हम आज में नहीं खींचेंगे, वैसे खींचने के लिए मैं मनांग लगा सकता हूँ गाड़ी सीधा लेके।
भाई डिमरी से लगभग हम 15 से 20 किलोमीटर आगे आए हैं और ये कि नया शहर आया है। इस शहर का नाम क्या है किसी से पता करते हैं, मेरे को तो इस शहर का नाम पता नहीं है। भाई इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है? हाँ डुमरी, डुमरे, और पीछे बड़ा था वो डुमरी था, दमौली, दमौली, दमौली और ये डुमरे। यहाँ से मनांग कितना दूर रह गया? अब इधर से 42 किलोमीटर है, बेसर। 42 किलोमीटर मनांग? नहीं नहीं बेसर, बेसर उससे ऑफ रोड है, 6 घंटा लगेगा उधर से। 6 घंटा लगेगा मतलब आज नहीं पहुँच पाएंगे? अभी तो नहीं, नहीं ना आगे से ये वाली गली से। अच्छा ठीक, धन्यवाद भाई। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे रुक गया, वरना मैं भाई मिस कर देता मनांग वाला रास्ता। मतलब यहाँ से ना कट है मनांग के लिए, एक कट तो वैसे पीछे रह गया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भी रास्ता है सेम उसी वाले रास्ते पे मिल जाएगा जाके, जो मैंने पीछे रास्ता छोड़ दिया। ये वाला रास्ता था जो भाई कह रहा था, ये तो वैसे ही बंद था, तो इससे तो हम वैसे ही नहीं आ पाते। भाई क्या रोड आई है यार, मतलब इतनी देर बाद ना, जब से पोखरा से मैं निकला हूँ उसके बाद अब ना ऐसी रोड आई है। रोड के किनारे लोगों ने कितने बढ़िया बढ़िया खेत और घर बना रखे हैं। यहाँ पे ना वो वाली वाइब आ रही है, जब हम लोग पोखरा से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, धामपुर की तरफ को जब जाते हैं तो बीच में 2-3 गाँव पड़ते हैं, वो सेम डिट्टो ऐसी भाई, और रोड भी वैसी बना रखा जैसे धामपुर की तरफ का रोड है, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा साफ सुथरा नया रोड। गाइस बहुत देर बाद ना एक बड़ा सा शहर आया और काफ़ी खूबसूरत शहर। अभी तक के जो लैंडस्केप थे ना आपने पीछे देखे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे लैंडस्केप थे, ऐसा लग रहा था जैसे ना जैसे किसी माउंटेन के टॉप पे हम लोग चल रहे हो, जैसे अपन लोग लद्दाख वद्दाख में नहीं माउंटेन्स के टॉप पे चलते हैं और दूर दूर तक बिल्कुल सीधे सीधे प्लेन प्लेन रोड होते हैं, उस टाइप की वाइब आ रही थी। और लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये था कि ना हरियाली काफ़ी थी। अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ वैसे पानी वगैरह पीने के लिए, मुझे लगा कि आपको भी थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। मेरे को वैसे काफ़ी देर से ना कहीं फ़ोन भी आ रहे थे तो मैं इसलिए भी रुका, मैंने कहा कि थोड़ा ना फ़ोन वोन अटेंड कर लेते हैं। भाई मैं ना सोच रहा हूँ पोहा बनाने की, तो पोहा में मेरा प्याज पड़ेगा, मिर्च पड़ेगी, नमकीन पड़ेगी, नींबू पड़ेगा और ऑयल पड़ेगा, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल लेना है यार, कुकिंग ऑयल नहीं है अंकल के पास। भाई साहब गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, और ये कीचड़ देखो भाई साहब, क्या ही कीचड़ जम गया, ऐसी तैसी हो गई है भाई। मैं दिल्ली से। हाँ जी, न्यू दिल्ली। हाँ न्यू दिल्ली। ये भी नहीं 10 दिन का। हाँ लागी पोर्चुगल टाइगर क्या? एम्बेसी, एम्बेसी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। हाँ 10 दिन बस, 10 दिन नहीं 4 दिन हुए मेरे को। डाल दिया अंकल क्या क्या डाला? प्याज डाला, मिर्च डाला और नींबू डाला है। आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है ना? कितना हो गया इसका? ये भाई हो गया हमारा कुकिंग का सामान। इनके पास सब्जी वगैरह तो मिल गई लेकिन इनके पास यार ऑयल नहीं था, तो ऑयल ले लेते कहीं से। छोटा डब्बी चाहिए अंकल? हाँ इससे छोटा नहीं है, छोटा यही है। कितने का ये? 110। चलो दे दो यही भाई। ये तेल ऐसे तो लेके जाना नहीं सकते, ये बोतल में डाल लेते हैं, बोतल मेरे को यहीं से मिल गई आंटी जी से। चलो भाई तेल भी मिल गया और तेल मैंने ना कोका कोला की बोतल में भर लिया, तो अपन अब कुकिंग वुकिंग करना होगा, कहीं पे कैंपिंग वैम्पिंग करना होगा तो कुकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी चाकू तो मेरे पास है ही, प्याज टमाटर मिर्च मैंने ले लिया, मसाले मेरे पास हैं ही, पोहा मैंने रखा हुआ है, और कहीं से एक पाव दाल एक पाव चावल ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना एक पेट्रोल पंप आया, एक काम करते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं, आगे कोई भरोसा नहीं है आगे कितनी दूर पर पेट्रोल पंप होगा। और मेरे में ना 2 डंडी कम हो गई हैं, इसको फुल करवा लेते हैं फिर से। और अभी लगभग 120 किलोमीटर रह गए हैं मनांग जहाँ में जाना है, लेकिन हम लोग घूमने बहुत वाले ना, 3-4 दिन रहने वाले मनांग में, तो पेट्रोल काफ़ी खर्च होगा तो डलवा लेते हैं। मुझे वैसे पता है कि मैं जितनी टंकी मेरा तेल है इतने में मैं जाके आ भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी डलवा लेते हैं। भाई मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे तेल डलवाऊँ कि ना डलवाऊँ, भैया बता रहे कि भाई ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे ना मनांग वाले रोड पर कोई पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। ये बेसी शहर है और रानी कुआं नाम की जगह है भाई,
तो यहाँ तेल डलवा ही लेते हैं, क्योंकि अगर आगे नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे भी तेल भाई सेम ही 175 रुपये। ज़्यादा तेल तो नहीं आया भाई, 4 लीटर तेल आ गया। अंकल मनांग इसी तरफ है? मनांग सीधा भाई। अब 5-6 किलोमीटर और है जो कि मेरे को ठीक ठाक और साफ़ सुथरी रोड मिलेंगी। उसके बाद ना भाई 60-70 किलोमीटर का ना घनघोर ऑफ रोड आ जाएगा, जिसमें हम भाई पहले दूसरे गियर से ऊपर चल ही नहीं पाएंगे, जैसे मुस्तांग में अपने साथ हुआ था। तो उस 60-70 किलोमीटर को कवर करने में 7-8 घंटे लगते हैं, लोकल्स लोगों ने मुझे बताया। अब बाकी हमें देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो मैं ना आज किसी अच्छी सी लोकेशन पे कैंप कर लूँगा पहले ही, उजाले में ही, ताकि थोड़ा ना, क्योंकि अंधेरे में ना यार लोकेशन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है और मिलती भी नहीं है। और खाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, खाने का भी मैंने सारा सामान रख लिया है, तो अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंपिंग और कुकिंग दोनों हो जाएंगे। तो ऐसी रोडों पर जब गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, बैंड बज जाती है। मैकेनिक को बुलाया हुआ भाई ने कहीं से दूर से, और जगह पे भी ऐसी ख़राब हुई है कि भाई कुछ कह ही नहीं सकते। कभी कभी ना बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है रास्ते को लेके, अब मैं इस तरफ जाऊँ कि इस तरफ जाऊँ पता नहीं लग रहा है। अब रोड तो वैसे ये वाला लग रहा है कि इधर की तरफ जाना चाहिए। मनांग 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 ये वाला रास्ता। लोग ना बेसी शहर पहुंच गए हैं, मेन जो टाउन है बेसी शहर, वहां पे अभी हम लोग हैं। और ये शहर ना देख सकते हो यार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेवलप है, और इस शहर में लगभग जरूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी। काफ़ी बड़ी मार्केट है यार यहाँ पे, देख रहे हो। ये कौन सा शहर है अंकल? कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है ये? उदयपुर। क्या गांव, कौन सा गांव? नाम, गांव का नाम? हाँ अच्छा, गांव का नाम उदयपुर। अच्छा भैंस चरा रहे हो आप? भैंस है, भैंसा है? भैंसा। आपका नाम क्या है? मेरा भोजराज। भोलेराज? बोझा। बोझाराज। अच्छा अच्छा, आप इसी गांव के हुए? हाँ। आपकी टोपी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ बैठे हो? हाँ कहाँ बैठे हो? मैं दिल्ली। दिल्ली से ही? हाँ दिल्ली से। हाँ बैग, कपड़े, कपड़े है मेरे, घूमने हैं ना, वो घूमना हूँ। अकेला ऐसे ही कहीं रुकूंगा किसी गांव में, मेरे पास वो है ना मेरा कैंप, टेंट सब था। सब है, टेंट भी है, खाना बनाने का भी है इसमें, वो भी है खाना पीना बनाकर, राशन इसमें है, पानी पूनी सब है। मैं ऐसे ही रुकता हूँ रास्ते में कहीं। धन्यवाद। नेपाल में घूमना आऊं ना यसरी। हाँ राम रो। अच्छा अच्छा अंकल, भाई साहब अब किसी ना गांव में आ गए। ये बेसी शहर करके ये डिस्ट्रिक्ट आ गई है। हमने आज ना 3 डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिए हैं, शायद पहले बागमती आई थी, उसके बाद क्या आई थी, अब ये बेसी शहर आई है। नेपाल में भी ना दबाव के डेवलपमेंट चल रहा है, जहां भी चले जाओ अब नेपाल में हर जगह आपको ना कंस्ट्रक्शन, रोडें बनती हुई, पहाड़ कटते हुए आपको दिख जाएंगे। मतलब आने वाले टाइम में नेपाल की रोडें वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हो ही जाएगा। वैसे नेपाल की रोड ठीक है यार, इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग बताते थे कि रोड बहुत ख़राब है। मतलब अगर इंडिया से कंपैरिजन करो तो आप तो थोड़ी ख़राब हैं, लेकिन फिर भी यार नेपाल ने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी रोडें मेंटेन करी हुई हैं यार। वैसे ना ये मना जाने का ही रास्ता है, लेकिन ना यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, तो ये ना पहले इन्होंने इधर को आने के लिए मना किया, नीचे से भेज रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि भाई आप जा सकते हो। और मैंने उनको बोला कि यार मेरे को मेला देखना है, मेला देख के आता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे मेला लगता कैसा है। टिकट काउंटर है भाई यहाँ पे। तो भाई क्या चल रहा है इधर? कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या इधर? क्या है, क्या है?
फेस्टिवल फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? मेला 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 डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल हाँ मनांग मनांग एंड तक इधर है मेला जा सकते हैं ओके थैंक यू तो भाई क्या करें चलें कि रहने दें क्योंकि अगर चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा अंदर छोड़ो यार स्किप करते हैं भाई ये मेला क्या चल रहा है महोत्सव हाँ क्या है महोत्सव महोत्सव वैसे यार मनांग की जो रोड है ना वो मुस्तांग से ज़्यादा अच्छी हैं मुस्तांग की रोड तो बहुत ख़राब थी मुस्तांग की टक्कर की रोड कभी मिली नहीं है भाई मनांग में मेरे को ना यार प्यारी सी बहुत प्यारी सी वीडियो बनानी है भाई कैंपिंग की यार खतरनाक सी एडवेंचर वाली प्यारी भी हो एडवेंचर से भी खतरनाक भी हो अब ये बता रहे हैं भाई नादी 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 इधर ही है ये आंटी लोग क्या कर रहे हैं भाई इधर दीवार पे चिपक के ये पानी भर रहे हैं भाई पहली बार मैं ना नेपाल में किसी सुरंग में घुसा हूँ मैंने अभी तक नेपाल में कोई ना सुरंग नहीं देखी थी और ये सुरंग भी काफ़ी बढ़िया यार और सुरंग के अंदर ये स्पीड ब्रेकर कौन लगाता है अच्छा इसलिए लगाई होगी लोग स्पीड लिमिट में रहें आगे से कोई टकरा ना जाए अब लग रहा मुझे खराब रोड स्टार्ट हो गई है यहाँ से भाई बहुत अच्छी लोकेशन मिली है मतलब ऐसा कि जो मैंने ना इमेजिन भी नहीं किया था बस ये कि अपना यहाँ पे ना परमिशन मिल जाए रुकने की तो मज़ा आ जाए देख रहे हो सामने भाई साहब सामने एक तगड़ा सा वाटरफॉल है और यहाँ पे प्लेन सी जगह है यहाँ पे अपन लोग रुक सकते हैं अगर भाई रुक जाए ना तो मज़ा आ जाए भाई और नीचे व्यू भी है यहाँ देखो अच्छी खासी नदी भी है वैसे कैंप मैं इस पर भी लगा सकता हूँ लेकिन इस पर इतना मज़ा नहीं आएगा मज़ा उस पर आएगा यार वहाँ देखने में भी दिखाने में मज़ा आएगा भाई गदर बाइक मैंने अपने अंदर कर लिया इधर ही कहीं मैं कैंप करूंगा आज और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे हम कुछ खाना पीना भी खा लेंगे और ये देखो ऊपर पीछे झरना है काफ़ी बड़ा सा और ये झरना जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना इसके बाद एक और झरना पीछे से स्टार्ट हो रहा है ऊपर काफ़ी ऊँचाई से आ रहा है झरना ये बहुत अच्छी लोकेशन है बाकी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा उसका एक हम सेपरेट व्लॉग बनाएंगे अपनी पूरे नाइट कैंपिंग का और पूरा नाइट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ना कि रात को भाई कैसा फील आता है कैंपिंग करते हुए क्या डर लगता है भाई वो तो अलग ही स्टोरी होती है पूरा आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता मिले देखने को मिलेगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है भाई नाइट कैंपिंग का वो भी जंगल में एक वाटरफॉल के सामने तो चलो भाई आज के लिए इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं और अपन ना आज यहाँ रुकने वाले हैं उसके लिए तो आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे ना यहीं पे पास में एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है तो हमने खाने के लिए भाभी जी से बोल दिया भाभी और भैया यहाँ पे यही लोग खाना बना देंगे और इनका यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है और ये इनकी बच्ची हेलो फ़ोन में लगी हुई है तो चलो इस वीडियो को क्लोज करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अपनी बाइक तो यहाँ खड़ी है और बाय बाय